बनाएंगे सरकार। मित्रों, कई सारे प्रोजेक्टों में भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। इन्होंने तेलंगाना को अपने परिवार के लिए एटीएम बनाकर रखा है, मगर अब तेलंगाना की जनता जागरूक हो गई है। और मैं तेलंगाना की जनता को कहने चाहता हूं, निर्लज्जता के साथ, कोई शर्म के बगैर ओवैसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं। वो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया, तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वादा करते जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हैदराबाद में परेड ग्राउंड में पूरी दुनिया देखे ऐसा तेलंगाना स्वतंत्रता दिन हम मनाएंगे। हम नहीं डरते हैं मजलिस से, मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, टू बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए, कमल पर बैठकर महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में उतरेगी। ये कार का स्टीयरिंग मजलिस के पास है, ओवैसी के पास है, वो केवल तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये नक्शा भी बनाते हैं भारत का तो उस पर कश्मीर आधा दौड़ते हैं, आधा कश्मीर बताकर आपने भारत का अपमान किया है मजलिस को खुश करने के लिए। इसका तेलंगाना की जनता आपसे जवाब मांगेगी। मित्रों, मोदी जी ने तेलंगाना के लिए ढेर सारा काम किया है। 8 साल में हाईवे की लेंथ 2 गुनी कर दी है, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया तेलंगाना के हाईवे के लिए खर्च किया है। हमने यहां पर रैली के ठीक बगल में हैदराबाद बीजापुर हाईवे के लिए पैसा दिया था, मगर तेलंगाना ने केसीआर ने भूमि अधिग्रहण नहीं करा, वो 5 साल लेट हो गए। और जो चेवल्ला की जनता को जो फायदा मिलने वाला था वो नहीं मिला है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं कांग्रेस वालों से और केसीआर से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी आए, उसके पहले के बजट में तेलंगाना को क्या मिलता था? टैक्स रिवोल्यूशन, ग्रांटिन एड,
और फाइनेंस कमीशन की ग्रांट तीनों मिलकर तेलंगाना को 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ मिलता था। कितना मिलता था? सिर्फ 30,000 करोड़। और 22-23 में मोदी जी ने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपया तेलंगाना को दिया है। मगर ये पैसा आपके क्षेत्र में आता है क्या? आता है भाई, दिखाई पड़ता है, कहा जाता है, कहा जाता है, आप समझ रहे हो? ये भ्रष्टाचार की भेंट चल गया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, तेलंगाना सरकार 25 पैसा ऐड कर 1 रुपया 25 पैसा तेलंगाना की जनता के पास भेजेगी, तेलंगाना की जनता के पास भेजेगी। 3 सालों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नाबार्ड द्वारा 16,000 करोड़ रुपया दिया है, रेलवे के तहत 31,000 करोड़ रुपया नए प्रोजेक्ट के लिए हमने दिया है, रामगुंदन फर्टिलाइजर प्लांट 6,200 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया है, हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार शंकरपल्ली से आगे बढ़ते हुए विकासाबाद तक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बोलारम मेडचल और फलकनुमा उमदा नगर के बीच एमएमटीएस के दूसरे चरण का शुभारंभ हो चुका है, 13 नई एमएमटीएस सेवाओं का शुभारंभ हुआ है, और अभी अभी मोदी जी ने जोर से तालियां बजाना कॉटन के किसानों के लिए तेलंगाना में मेगा टेक्सटाइल पार्क देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, मैं फिर से आऊंगा, इनके वादों का हिसाब मांगूंगा, जितने भी वादे किए इन्होंने पूरे नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, एक कोई सरकार तेलंगाना में ऐसी नहीं चल सकती जिसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, मजलिस के पास है। हम यहां पर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो देश के विकास को, तेलंगाना के विकास को, आपके विकास को समर्पित हो। और मित्रों, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं केसीआर को कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालोगे, पुलिस से लाठियां पिटवाओगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। केसीआर, हम तो पैदा ही विरोध पक्ष में हुए हैं, हम आपसे नहीं डरते हैं। ये जुर्म करना बंद करो, जितना समय बचा है उतना समय जनता का भला करो। ये पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराइए और युवाओं के अधिकार को सुरक्षित करिए, वरना हम आने के बाद जब जांच कराएंगे, जिन्होंने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, चुन चुन कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ चिवेल्ला वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है क्या? जोर से बोलो, बनानी है? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर दोनों चुनाव में बटन दबाओगे? मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना को सबसे विकसित राज्य बनाओगे? एक केसीआर और ओवैसी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दोगे? पक्का फेंक दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।